नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में। और आज जो है तपती गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने भी एक कूलर ऑर्डर कर दिया था अमेज़न से, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसकी अनबॉक्सिंग। और मैं बता दूँ कि इसके अंदर हमें कोई भी जैसे मतलब कंपनी वाले जो आते हैं वो खोलते देते हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई सर्विस नहीं मिली, सीधा हमारे पास डायरेक्ट बॉक्स आया है और मैं इसकी अब आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ। तो पूरी अनबॉक्सिंग बताऊंगा किस तरीके से हमने इसको सेटअप किया है, सब कुछ इसके अंदर दिखाएंगे। तो सबसे पहले मुझे इसको लेटाना पड़ा, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से खोलता था तो नीचे से ये टेप के साथ चिपका हुआ था, तो मुझे इसको यहाँ से कट करना पड़ा। कट करने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए आप इसको कट कर दिया है यहाँ से, और ये इसके जो थर्माकोल वाले पैड है उसको हटा दिया है, वहाँ से कट कर दिया है। और अब जो है ये जो क्रॉम्पटन का सन ब्रीज है DAC, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऊपर से निकाल लेता हूँ। और अगर आपको उसका लेटेस्ट प्राइस चेक करना है, ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट मॉडल है, अगर आपको चेक करना है तो आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए, ये है मॉडल, इसमें तीनों तरफ से हनीकॉम्ब की ब्रिजिंग लगी हुई है, हनीकॉम्ब पैड इसके अंदर लगा हुआ है। सामने से आप इसकी जो ट्रे है वो लगी हुई है, वो आप बढ़ा सकते हैं। ऊपर आइस का चैम्बर लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इसके व्हील्स दिए हुए थे, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके अंदर व्हील्स भी लगेंगे। तो यहाँ पे 5 व्हील्स दिए हुए हैं, वो इसके आइस चैम्बर में लगे हुए थे, ऊपर आइस डाल सकते हैं आप इसको। तो इसको आपको लेटाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको लेटा दिया है। लेटाने के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए किस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर लेवल इंडिकेटर भी इसके अंदर दिया हुआ है, ये अच्छी खास बात है। तो यहाँ पे जो होल्स हैं, तो इसमें कोई स्क्रू और नट वगैरह नहीं है, आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो ये देख लीजिए, मैंने एक लगाया है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर था, तो उसी की मैंने हेल्प लगाई है। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, इन जो हमारे जो व्हील्स हैं उनको पुश करना है, ठीक है, और ज़्यादा फोर्स इसके अंदर नहीं लगाना, ठीक है। इतना लगाए थे कल के टाइम पर खुल पाए तो। और ये हार्ड कास्टर व्हील दिए हुए हैं इसके अंदर, तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो और इसके अंदर लॉक भी है, तो स्टार्टिंग के जो दो व्हील्स थे, दो व्हील्स इसके अंदर लॉक वाले हैं, तो वो लगेंगे इसकी स्टार्टिंग में। तो जस्ट पुश कराया मैंने इसको, यहाँ पे आप देख रहे हो, मैंने जिसको इसको पुश करके इसको अंदर कर दिया है। और लॉक व्हील्स का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कूलर है, अगर पानी का, अगर आपका स्पेसिंग सही नहीं है, अप डाउन है फ्लोर में, तो इधर उधर वो नहीं जाते हैं, तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी कूलर सारे के सारे चेक आउट किए, तो मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है यही लगा है, ठीक है। तो ही मैंने इसको अमेज़न से जाके इसको ऑर्डर कर लिया था, और बाकी और जगह भी देखे मैंने तो, बट ये मुझे सही लगा। और इसकी डिलीवरी वगैरह भी ठीक ठाक हो गई, लेकिन यह है कि उसके बाद सारा काम जो है मुझे खुद ही करना पड़ा, तो ये इसके अंदर बात रही है, ठीक है। तो कैस्टर व्हील इंस्टॉल लगभग इसके हो चुके हैं, तो अब मुझे इसे सीधा करना पड़ेगा। और मैं इसके अंदर क्या काम जहाँ मैं कितना मोटर क्या है सब कुछ आपको बताऊँगा। आपको बता देता हूँ, जो क्रैम्पटन का ये जो कूलर मैंने ऑर्डर किया है, ये इन्वर्टर कैपेबल है, और ओवरलोड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर है। मतलब यह है कि अगर ओवरलोड आ जाता है पीछे से पावर, तो उस कंडीशन में ये मोटर को बचा के रखता है। लीजिए, मैंने अब इसको सीधा कर दिया है, ठीक है। इन्वर्टर कैपेबिलिटी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और मच्छर वगैरह से बचने के लिए इसके अंदर पूरी फूल जाली यहाँ पे दी हुई है। तो देखिए, मैंने इसको खोल दिया है, ऊपर जो आइस चैम्बर है वहाँ से आइस पिघल के नीचे की तरफ जाती है, पंप उसे ऊपर प्रेस करता है। 3 इसके अंदर यहाँ पे हनीकॉम्ब के पैड दिए हुए हैं, ये आप देख रहे होंगे, मोटर है यहाँ पे, और लिखा हुआ है मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो मतलब यह है कि अगर ओवरलोड होती है तो प्रोटेक्शन बची रहेगी। ब्लेड्स की अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ पे नॉर्मल इसके ब्लेड मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको पंप दिखा देता हूँ, ये रहा चीज़ का पंप, ठीक है। तो ऊपर से जो पाइप लगा हुआ है वो बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखिए इस तरीके से मैंने इसके जो ऊपर के कवर हैं वो खोल दिए हैं। ऑटो लेवर्स इसके अंदर है, मतलब अपने आप स्विंग कर सकते हैं। जो पहला बटन है वो आपको स्पीड बताता है, मिनिमम लो हाई जो भी है, ठीक है। और बगल वाला आपको बटन पावर जो है आपको बताएगा कि पंप किसके अंदर है, पंप के साथ स्विंग किसके अंदर है, और अगर आपको ऑफ करना चला है तो ऑफ चला सकते हैं। इसी तरह से हमारे वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।